नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एक विशेष रोग जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया के विषय में जानेंगे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन लॉन्च किया गया, जिसका लक्ष्य है कि भारत में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन करना। तो जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे शरीर में जब हम लोग सांस लेते हैं तो अंतर्गृहित जो ऑक्सीजन होती है, इनहेल्ड ऑक्सीजन होती है, वह हमारे शरीर में फेफड़े के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर पूरे शरीर में संचारित होती है। तो जो रक्त होता है उसमें कई प्रकार की सेल होती है, जिनमें एक विशिष्ट सेल जिसका नाम है रेड ब्लड सेल, और उसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है, जिसके कारण ही रक्त लाल होता है और वही ऑक्सीजन को जो है पूरे शरीर में संचारित करने में मदद करती है। तो जब सिकल सेल एनीमिया रोग होता है तो यह जो हीमोग्लोबिन है वह प्रभावित होती है, और परिणाम स्वरूप यह जो है हीमोग्लोबिन, असामान्य हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिका को प्रभावित करती है, और लाल रक्त कोशिका जो कि सामान्य रूप से वह गोल और लचीली होती है और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से आसानी से गतिशील हो जाती है, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया होती है तो यह लाल रक्त कोशिकाएं के आकार को प्रभावित करती है, जिससे लाल रक्त कोशिकाएं हसिए के आकार में हो जाती हैं और कठोर हो जाती हैं, चिपचिपी हो जाती हैं, जिससे यह ब्लड के फ्लो को धीमा या अवरुद्ध कर देती है, और इसके परिणाम स्वरूप एनीमिया, शरीर में दर्द या शरीर के ग्रोथ को रोकता है। इससे बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे शरीर के लंग्स, हार्ट, किडनी, आई, बोन्स, ब्रेन, ये सब प्रभावित होती हैं। यह धन्यवाद।